say yet. पहले तो तुम मुझे नहीं नहीं मुझे तुम कॉपी बात नहीं करो, जाओ के फोल्डर में मुझे फाइंडर में ये खोल के दिखाओ मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा गिट का जो, हाँ खोलो इसको, इसमें तुम ये तो तुम अंदर हो गया। अच्छा इस पे तुम कमांड शिफ्ट डॉट ज़रा दबाओ, वो डॉट गिट का फोल्डर शो हो रहा है तुम्हारे पास। हाँ ये आ गया ना, सही तो है तुम्हारा ये फोल्डर। अच्छा अब इसी वापस वी एस कोड में जाना, ज़रा वी एस कोड दिखाओ मुझे वापस। सही तो खुला हुआ यार तुम्हारा। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि यहाँ से, हाँ मेरे सामने ज़रा कमिट पुश करो दोबारा से। क्या आ रहा है, योर ब्रांच इज बेस्ड ऑन ऑरिजिन मेन बट अप स्ट्रीम इज गॉन। ऐसा कैसे हो सकता है अप स्ट्रीम इज गॉन? अच्छा ये एरर मुझे और भी एक दो लोगों ने दिखाया था रिसेंटली ना, अप स्ट्रीम इज गॉन, तो अच्छा एक काम करो इसका आसान हल करते हैं, आसान हल करते हैं, जाओ दोबारा से जाओ रिपॉजिटरी में, जहाँ पे गिटहब की रिपॉजिटरी वहाँ जाओ, छोड़ दो ये कमिट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, दोबारा से जाओ github.com उस रिपॉजिटरी में जाओ, इसको दोबारा से क्लोन करो, एक नई जगह पे एक नए फोल्डर में इसको क्लोन करो। नहीं पुरानी वाली को रहने दो अभी, रुक जाओ, पुरानी वाली का नाम चेंज कर दो ना, थोड़ा सा ओल्ड कर दो नाम इसका। एंटर के बटन से नाम चेंज होता है। अब एक नया क्लोन लो इसका इसी जगह पे फोल्डर में। यार ये कैसे रही है, ऐसे नहीं क्लोन करो, ऐसे नहीं क्लोन करो, कैंसिल करो इसको, कमांड प्रॉम्प्ट से करो। मतलब टर्मिनल होता है ना इसमें, तो टर्मिनल लिखोगे ना यार। सीडी डेस्कटॉप करो, ये होम पे खड़ा हुआ है अभी, ये डेस्कटॉप पे नहीं खड़ा हुआ अभी, डेस्कटॉप का डी कैपिटल है। सही है, एम टी ही वो होता है। अच्छा अभी जो तुम ये किधर आया है क्लोन होके डेस्कटॉप पे, वो ओल्ड वाले में से सारी फाइलें कॉपी करके इस नए वाले में लाके पेस्ट कर दो। तो छोड़ दो ना, सही है, ओल्ड वाले में से सारी कॉपी इधर फाइलें कॉपी करो, हाँ ये सारी गिट का फोल्डर छोड़ के, ये डॉट गिट है ना जो, ये वाला फोल्डर नहीं कॉपी कर देना,
ओ भाई इसका क्यों बाहर कर रहे हो? ओ अल्लाह के बंदे, इसको क्यों बाहर कर रहे हो? ये तो नई रिपॉजिटरी है तुम्हारी ना। सही है। अब इसमें वो कमिट और पुश वाली कमांड चलाओ तीनों टर्मिनल से। क्या रिपोर्ट है? ओ अल्लाह के बंदे, इसके अंदर तो तुम जाओ, सीडी करके उस फोल्डर में तो जाओ, सीडी करके उस फोल्डर में जाओ ना। तुम डेस्कटॉप पे ही तुम लगे हुए हो। सीडी करके यार, ये सीडी करके ये स्टेप अहेड में जाओ ना। अल्लाह के बंदे, कैसे तुम कर रहे हो? पहली बार तो नहीं कर रहे? हाँ, टैब दबाया करो। STEP लिखो, टैब दबाओ। ओ भाई, STEP लिख के दबाना था। बैक स्पेस करो, CD स्पेस और फोल्डर के नाम के दो कैरेक्टर लिखो शुरू के, ST, और अब टैब दबाओ। सही है। अब देखो जितना कंप्लीट कर दिया ना इसने, उसके बाद दो फोल्डर हैं तुम्हारे, एक में डैश है एक में स्पेस है। तो तुम्हें डैश वाले में जाना है मेरे ख्याल। डैश लगाओ फिर टैब दबाओ दोबारा। और नहीं, स्पेस वाले में नहीं जाना है, स्पेस वाला ओल्ड है। टैब दबाओ दोबारा से। हाँ, हो गया, एंटर कर दो। अब तुम आए हो उसके अंदर। अब यहाँ पे तुम खड़े होगे ना, गिट ऐड और गिट कमिट चलाओगे। ये हमने चीज़ें पहली क्लास में पढ़ी थी, जो सबसे पहली क्लास थी हमारी। इसमें अभी तक प्रॉब्लम्स हैं यार, मैं हैरान हूँ। गेट पुश हो गया। जाओ ज़रा, अब जाके चेक करो यार। ये गेट पुश के आगे तुमने डॉट क्यों लगाया? सिर्फ गेट पुश ज़रा दोबारा से चलाना। अब हुआ है ये पुश, पहले तो ये पुश ही नहीं हुआ था। डॉट थोड़ी लगता है गेट पुश के साथ ही। अब जाके चेक करो उधर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे की पढ़ाई, ज़रा करते हैं आज। अच्छा जी, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? इमेजेस का चैप्टर हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया था। अच्छा, इमेजेस का चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। अच्छा, ये हम ज़रा इसकी समरी पढ़ लेते हैं, फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करते हैं। द इमेज एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड इमेज टू अ वेब पेज। ये बहुत ही सिंपल सी एक बात है कि एक मार्कअप है IMG का, या IMG का एलिमेंट है ये स्क्रीन पे।
इमेज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यू मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई एस आर सी एट्रीब्यूट टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ एन इमेज, कि उस इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ से उठा के वो इमेज डिस्प्ले करनी है, उसके लिए एस आर सी का एट्रीब्यूट आपको देना ज़रूरी है हर दफ़ा। अगर आप एस आर सी का एट्रीब्यूट नहीं देंगे तो वो इमेज नज़र ही नहीं आएगी। और ए एल टी जिसको अल्टरनेट का एट्रीब्यूट कहते हैं वो भी आपको देना ज़रूरी है, कि अगर इमेज किसी वजह से लोड ना हो पाई तो ये अल्टरनेट में लिखा हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। यू शुड सेव इमेज एट द साइज़ यू विल बी यूजिंग देम, जिस साइज़ में इमेज आपने लगानी है आप उसी साइज़ में इमेज को बनाएंगे फोटोशॉप के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, उसी साइज़ की होनी चाहिए इमेज एंड इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, और फॉर्मेट भी उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमने फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था, जेपीजी, पीएनजी और जिफ, हमने ये तीन फॉर्मेट डिस्कस किए थे जो जिसमें मोस्ट ऑफ द फ़ोटोज़ कवर हो जाती हैं। फोटोग्राफ्स आर बेस्ट सेव्ड एज जेपैग, जो फ़ोटोज़ होती हैं कैमरे से खींची हुई फ़ोटो वो जेपैग में बेस्ट रहती है। इलस्ट्रेशंस और लोगोज़ दैट यूजेस फ्लैट कलर आर बेटर सेव्ड इन जिफ। तो ये हमने जीस की जो है ना थोड़ी सी समरी पढ़ ली चैप्टर की। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, टेबल्स। वेबसाइट बनाते वक्त या वेब पेजेस बनाते वक्त आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कि कोई ऐसा डेटा आपने दिखाना है जो जिसको अलाइन करके दिखाना है, या कोई ऐसे मिसाल के तौर पे रिजल्ट्स वगैरह मार्क्स वगैरह दिखाना है आपने, या सम टाइम जैसे स्पोर्ट्स का स्कोर बोर्ड होता है, तो क्योंकि 10-12 प्लेयर हैं और हर आवर का आपने अलग अलग दिखाना है डेटा, तो वो बग़ैर टेबल की ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो टेबल की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML ऑफ कोर्स, कि टेबल बनाएंगे कैसे हम HTML के मार्कअप्स को इस्तेमाल करते हुए, व्हाट इंफॉर्मेशन सुइट्स बेस्ट इन द टेबल्स, कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए अभी, तो कौन सी ऐसी एग्जांपल होगी इंफॉर्मेशन की जहाँ पे हम टेबल ही यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल, के अच्छा कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होता है, और उसको फिर कॉम्प्लेक्स डेटा अगर आ जाए तो फिर वो टेबल में उसको हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्लेड इन अ ग्रिड और टेबल, कह रहे हैं कि कुछ सेवरल तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिनको आप ग्रिड में डिस्प्ले करना चाहेंगे या टेबल में डिस्प्ले करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स रिजल्ट, स्टॉक रिपोर्ट और ट्रेन टाइम टेबल या एरोप्लेन टाइम टेबल। तो यूज़ द 4 की एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग टेबल, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन द टेबल, एड कैप्शन इन द टेबल। वेल, तो ये इसने थोड़ी सी बात की, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया, एक वेब पेज छोटा सा बनाया जिसमें थोड़ी सी टेबल इसने बनाकर दिखाई है, और बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये इसका कोड भी शेयर करेगा आपसे। अच्छा, ये कुछ इसने एग्जांपल्स दिखाई हैं, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसमें टेबल्स जहाँ पे बनी हुई होती हैं उसकी कुछ एग्जांपल इसने दिखाई है आपको। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले पीछे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है जिसमें शेयर मार्केट का शायद वो न्यूज़पेपर है, तो शेयर मार्केट की सारी डिटेल्स हैं उसमें। उसके बाद एक हैंडआउट है, उसमें भी टेबल नज़र आ रही है आपको। तो अब ये ज़रा डिस्कस हो रहा है कि व्हाट इज़ अ टेबल, टेबल है क्या। अ टेबल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ ग्रिड फॉर्मेट, एग्जांपल्स ऑफ टेबल इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, टीवी स्केड्यूल और स्पोर्ट्स रिजल्ट। अब ये आपके सामने जो है ना एक वेब पेज है, तो आप में से कोई भी ये आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि इस वेब पेज में टेबल कहाँ पर बनाई गई है, कोई बता सकता है। नीचे कहाँ पर, भाई नीचे कहाँ पर, टॉप लेफ्ट टॉप राइट कौन सा वाला,
अच्छा ये वाली जो पार्ट है इसको आप कह रहे हैं कि ये टेबल है। अच्छा कोई तो बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने कि इस पेज में एक से ज़्यादा टेबल्स मौजूद हैं। जैसा कि ये वाला नीचे पार्ट है, ये ऑब्वियसली एक टेबल है, लेकिन इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट भी काइंड ऑफ एक टेबल है, हमें पता चल रहा है। सो ये उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये भी एक टेबल है, ठीक है, टेबल की फॉर्म में, क्योंकि ग्रिड में डेटा दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है ये भी दो टेबल्स हैं एक्चुअली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दो अलग अलग टेबल्स हैं। ये कोई अभी अभी ज्वाइन हुआ है, वासिकुद्दीन। हाँ भाई, ये वासिक अभी अभी क्यों ज्वाइन हुए हो तुम भाई? अच्छा, डिस्कनेक्ट कोशिश कीजिएगा कि आप ना हो, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि यार टेबल्स जो है ना, आपको नॉर्मली वेब पेजेस में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको टेबल की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो हम आगे चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा कैसे। तो पहले तो टेबल का एक टैग होगा, सही है, यहाँ से टेबल का टैग स्टार्ट है और यहाँ से टेबल का टैग क्लोज है, और ये पूरा का पूरा मिला के एक टेबल का एलिमेंट है, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को मिला के हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और ये टेबल रैप हुआ हुआ है, ये तमाम के तमाम कॉन्टेंट के ऊपर रैप हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो टेबल के सिर्फ एलिमेंट से नहीं होगा, टेबल एक ऐसा ऐसी चीज़ है जिसको बनाने के लिए हमें मल्टीपल मार्कअप्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा है, भाई पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ शुरू, पैराग्राफ ख़त्म, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, दैट्स इट, उसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ठीक है। लेकिन ऑन अदर एंड हमने लिस्ट जो पढ़ी है, जो एल आई और यू एल वाली, तो हमने उसमें देखा है कि ऊपर एक यू एल होती है लेकिन उसके अंदर एल आई भी होता है, हर लिस्ट आइटम के लिए अलग है। तो इसमें आपको अंदर जो है ना, दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक टी आर और एक टी डी, दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास जो ये टेबल है ना, इसको बल्कि मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इसको वी एस कोड में लेकर आ जाता हूँ, जहाँ पे इसकी थोड़ी बेटर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है। ओके, सिक्स डॉट टेबल्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं आगे बना देता हूँ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मैं क्या बनाने की कोशिश करता हूँ, एक अलग टेबल, सही है। तो सबसे पहले तो मुझे टेबल का मार्कअप पता चल गया कि ठीक है भाई, टेबल का मार्कअप है ये। अब इसके अंदर हमने दो तरह के मार्कअप देखे थे, हमने देखा था एक टी आर है, सही है, और टी आर के अंदर फिर टी डी है। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए, बल्कि मैं बुक वाला ही कोड एग्जैक्टली लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, ताकि वो सेम एग्जाम्पल रहे, ठीक है। तो ये जो टी आर है ना, दिस इज़ अ रो, टेबल की रो है ये। अच्छा, ये लाइन चेंज हुई हुई है, मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, इसके लाइन ब्रेक्स को ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये समझने में आसानी हो, सही है। ये मैंने लाइन ब्रेक्स को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि ये टेबल बनी हुई है और ये टी आर जो है ना, ये एक रो है इस टेबल की, राइट। अच्छा, मैं बाकियों के साथ भी यही करता हूँ, तो जब ये वाली टेबल बनेगी ना, तो कुछ इस तरह का मुझे देखने को मिलेगा,
तो ज़रा मैं सब में टैब लगा दूँ ताकि इवनली स्पेस पकड़ लीजिए। ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा, तो ये जो है ना, मैंने इसको एग्जैक्टली उसी तरह से कर दिया है जैसा ये एग्जैक्टली टेबल में दिखने वाला है, सही है। तो हमारे पास एक टेबल बनने जा रही है जिसके अंदर तीन रो होगी। रो इसी तरह होती है, हॉरिजॉन्टल जो होती है उसको रोम कहते हैं, ठीक है। ये तीन रो होगी हमारे पास, और पहले रो के अंदर 15, 15 और 30 लिखा हुआ होगा, दूसरी रो में 45, 60 और 45 लिखा हुआ होगा, तीसरी रो में 60, 90 और 90 लिखा हुआ होगा। अब इसको हम ज़रा चला कर देख लेते हैं। चला कर देखने के लिए एक तो ये कॉपी पाथ वाला तरीका है, दूसरा तरीका हमारे पास ये गो लाइव लिखा हुआ है ना, इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है गो लाइव करके, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वी एस कोड का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो एक्जैक्टली देखें उसी तरह से यहाँ पे ये टेबल बन के लिखी हुई आ गई है। वो एक्सटेंशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गो लाइव है इसका नाम आई थिंक, ये वाला है शायद लाइव सर्वर ना, ये वाला है लाइव सर्वर। वेल ठीक है, एक्जैक्टली उसी तरह से ये बनी भी आ गई टेबल हमारे पास। वापस चलते हैं हम ज़रा बुक में अपनी, देख लेते हैं क्या बता रहे हैं ये। टेबल एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल, सिंपल। टी आर, यू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ ईच रो यूजिंग द ओपनिंग। टी आर टैग इज फॉलोड बाई वन और मोर टी डी एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि टी आर से आप बताएंगे कि यहाँ से मेरी रो शुरू हो रही है, और उसके अंदर आप टी डी एलिमेंट बना सकते हैं एक या एक से ज़्यादा, जितना भी आपको सेल्स चाहिए हो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप टी आर को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, टी डी क्या चीज़ है? ईच सेल ऑफ अ टेबल इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग टी डी, यानी टी डी का मतलब है टेबल डेटा एक्चुअली, ठीक है। तो ईच सेल जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है टेबल डेटा करके यहाँ पे। एट द एंड ऑफ ईच सेल यू विल यूज़ टी डी क्लोज, ठीक है। तो टी डी का ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेल है हमारा, तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग है। अच्छा, सम ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ड्रॉ लाइन अराउंड द टेबल द इंडिविजुअल सेल, यू विल लर्न हाउ टू कंट्रोल द बॉर्डर ऑफ द टेबल यूजिंग CSS। कह रहे हैं कि कुछ ब्राउज़र क्या करेंगे कि इसमें ना बॉर्डर बनाकर टेबल के जैसा आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। कुछ ब्राउज़र नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ये CSS में डिस्कस होगा। ये पेज नंबर बताया उन्होंने कि यहाँ पर यह CSS में डिस्कस होगा कि इसके बॉर्डर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करें एक एडिशनल चीज़ आपको नज़र आई है, दैट इज़ TH, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टेबल हेडिंग। तो द TH एलिमेंट इज़ यूज्ड जस्ट लाइक TD एलिमेंट, बट इट्स पर्पस इज़ टू रिप्रेजेंट द हेडिंग ईदर ऑफ अ कॉलम और अ रो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो डेटा है, अब ये डेटा क्या है वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें एक अदद हेडिंग चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाली जो रो है ना, इसी को क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाली रो को डुप्लीकेट कर लिया। अच्छा, इसमें मैंने हेडिंग लगा दी, मैंने कहा कि भाई ये जॉन का स्कोर है, ये जो है वो मलिक का स्कोर है, और ये जो है वो रेहान का स्कोर है, ठीक। तीन लोगों के स्कोर आ गए। मैं थोड़ा सा लाइन एक चेंज कर देता हूँ ताकि अलग दिखे वो। तो देखो, अभी भी ये हेडिंग के तौर पे ट्रीट हो रहा है, राइट। यहाँ पर मैं आता हूँ, तो देखो ये हेडिंग के तौर पे ट्रीट हो रहा है। अभी मुझे पता चलना शुरू हो गया है कि 15, 45, 60 जो ये जॉन का स्कोर है, 15, 60 और 90 मलिक का, ये तो हमें पता चलना शुरू हो गया है। लेकिन HTML के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसमें TD इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें TH इस्तेमाल होगा, ठीक है। TH इस्तेमाल होगा। TH इस्तेमाल करने के दो फायदे होंगे, एक तो ये होगा कि वो थोड़ा सा उसको वो बोल्ड करके दिखा देगा, ठीक है। HTML को पता चलेगा कि ये वाकई हेडिंग है। और दूसरा ये है कि आपका जो वो है ना सिमेंटिक
उससे डिटेल भी कम एक होती है कि अगर कोई क्रॉलर आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो टेबल है ना, इसमें ये वाला पार्ट डेटा नहीं है एक्चुअली, ये हेडिंग है। तो अगर उसको डेटा चाहिए तो वो ये वाला पार्ट माइनस करके सिर्फ डेटा उठाएगा क्रॉलर जो होगा, ठीक है ना। तो क्रॉलर को भी काफ़ी हेल्प होता है कि अच्छा यार ये वाला डेटा है। अच्छा, तो हेडिंग हमारे पास जो है ना, एक तो ऐसे वाली हेडिंग हो गई, एक हमारे पास हेडिंग ऐसे वाली भी हो सकती है ना, यूं वाली, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए कि यार जॉन का है, मलिक का है और रेहान का, ये तो स्कोर हो गया। लेकिन जॉन के यहाँ पे तीन स्कोर आ रहे हैं, तो ये तीनों स्कोर किस किस चीज़ के हैं, ठीक है। आया कि ये मैथ का स्कोर है, ये इंग्लिश का स्कोर है, या ये वॉलीबॉल के फर्स्ट हाफ का स्कोर है, ये सेकेंड हाफ का, मतलब क्या है ये, व्हाट इज़ दिस डेटा। तो हमें इसके लिए यहाँ पे अगर एक हेडिंग लग जाए ना इस 15 से पहले कि यार ये तीनों किस चीज़ का डेटा है, और ये तीनों किस चीज़ का डेटा है, और ये तीनों किस चीज़ का है, तो थोड़ा हेल्प रहेगा। तो बता रहा है, ये चाह रहे हैं कि हेडिंग जो है वो रो के लिए भी हो सकती है और कॉलम के लिए भी हो सकती है। तो अभी जो हमने हेडिंग लगाई है, ये मुझे बता रहा है कि यार आपका जो कॉलम का डेटा है ना, वो उसकी हेडिंग हो गई है, ठीक है। तो मैं रो के लिए भी हेडिंग ये वाली मैं लगा सकता हूँ। तो मैं ऐसे आया, और मैं ऐसे आके मैंने क्या बोला, मैंने कहा TH, और एक हेडिंग यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दी, ठीक हो गया। तो मैंने बोला यार कि ये जो है ना इंग्लिश है, और ये मैथ है, और ये साइंस है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास दिख रहा है। अच्छा, आप नोट करेंगे कि यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगाई हुई है, लेकिन उसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ ना, तो देखो ये भी शो होना शुरू हो जाएगा ब्लैंक, ठीक है। बट इस वाले को मुझे ब्लैंक रखना है, तो इसको मैं क्या रखूँगा, ब्लैंक रखूँगा, राइट। अब मैं वापस एक मिनट वापस जाने से सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, राइट, ठीक है। स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अलाइन करूँ थोड़ा सा, सही है। तो मैंने फ़िलहाल इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। वैसे HTML को फ़र्क नहीं पड़ता वाइट स्पेसेस से, HTML के लिए तो एक ही बात है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जस्ट। HTML के लिए एक ही बात है कि वाइट स्पेस हो या नहीं हो, ठीक है। इस वाइट स्पेसेस को ये HTML क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये एक टेबल बन चुकी है, जिसमें यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है, वो ये 1545, और ये कॉलम के लिए लगी हुई है, ये हेडिंग भी हमारी कॉलम के लिए लगी हुई है, ये हेडिंग जो है हमारी किसके लिए लगी हुई है, ये रो के लिए लगी हुई है, ये हेडिंग हमारी रो के लिए लगी हुई है ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पे एक हेडिंग मैंने छोड़ी हुई है खाली, क्योंकि अगर मैं ये हेडिंग हटा दूँगा ना, तो उससे क्या होगा, ये जॉन ना इधर आ जाएगा, सही है, ये जॉन इधर आ जाएगा। देखते हैं अभी ये कैसा फील कराता है, ये ऐसा हो गया, मतलब जॉन का स्कोर तो ये वाला था ना, बट अब ये वाला स्कोर मलिक का फील करा रहा है, और लास्ट वाले पे कोई हेडिंग है ही नहीं, ऊपर खाली है। तो मुझे इस वजह से यहाँ पे एक, अच्छा मैं इसको TH कर दूँ, TD कर दूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। वो जस्ट मैंने ऐसा एज अ स्पेसर उसको डाला हुआ है, ठीक है, एज अ स्पेसर डाला हुआ है उसको, तो उसका जो टैग है वो TH हो या TD हो, इट डजेंट मैटर। बट बेहतर ये है कि मैं इसका जो है वो TH रखूँ, ताकि पता चले कि यहाँ पे हेडिंग का स्पेसर है, ठीक हो गया। तो बुक में भी इन्होंने इसी तरह से किया हुआ है, आप देखें TH एक खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब जो है केस क्या है भाई, कि TH के अंदर ना मुझे क्या लगाना पड़ता है, एक अदद स्कोप भी बताना पड़ता है। अच्छा, स्कोप बताने से ये स्टिल क्या है, ये सिमेंटिक मार्कअप है, ठीक है, सिमेंटिक डिटेल्स दे रहा है। स्कोप लगाने से आपको स्क्रीन पे कुछ भी फ़र्क नहीं फील होगा, ठीक है। तो ये जो टिकट सोल्ड है, ये जो सेकंड रो के अंदर जो सबसे पहली हेडिंग है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या बताया है, इसको इन्होंने बताया है कि भाई ये जो इसका स्कोप है ये रो है, ठीक है। तो हम क्या बता देंगे, हम इंग्लिश वाले को आके बता देंगे कि इसका स्कोप क्या है, रो है, राइट। ऐसे ही किया ना उन्होंने भी, इन्होंने टिकट सोल्ड वाले को बोला है, ये टिकट सोल्ड वाले को, कि इसकी जो स्कोप है वो रो है, ठीक है।
और इन दोनों का जो स्कोप है वो कॉलम है। तो ये सिमेंटिक मार्कअप है हमारे पास, आ जाते हैं हम लगा लेते हैं। तो हमने ये देखा कि इस वाले TH का जो स्कोप है वो कॉलम है, सही है। इस वाले का भी स्कोप जो है वो कॉलम है, और इस वाले का भी स्कोप जो है वो कॉलम है, ठीक है। क्योंकि ये नीचे ऐसे ही उस कॉलम को ये बता रहा है, इस कॉलम के लिए हेडिंग है ये। अच्छा, फिर मैं इस वाली हेडिंग को आके बोल दूँगा कि आपका जो स्कोप है वो रो है, सही है, रो। ठीक है, तो ये मैंने स्कोप भी डिफाइन कर दिया इन इन हेडिंग्स का। यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, आप देखें कुछ भी चेंज मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि ये सिमेंटिक डिटेल है। अच्छा, अब एक हमारे पास ऑप्शन और भी है, स्पैनिंग कॉलम्स, ठीक है। स्पैनिंग कॉलम के लिए हम एक ज़रा डिफरेंट एग्जांपल बना लेते हैं, सही है। इस एग्जांपल को हम यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं कि इसको अलाइन कर दूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से अलाइन कर दूँ कि ये समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये अच्छा, बाय द वे डेवलपमेंट करते हुए ना, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो आ रहा है ना अभी, ये दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड ना कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आए डेवलपमेंट करते हुए। उससे क्या होता है, आपका टाइम भी थोड़ा ज़ाया होता है और मतलब अल्टीमेटली एक मसला है। लेकिन अभी मैंने इस कोड को ऐसे फैलाया है और इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लेकर आया हूँ जस्ट इसलिए कि ये कोड अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बुक में इन्होंने लिखा हुआ है ना, अभी मैं इसको फॉर्मेट करूँगा ना, अगर ऐसे राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये बुक में जैसा लिखा हुआ है वैसे हो जाएगा। लेकिन आई थिंक कि बिगनर्स के लिए इस तरह से लिखा हुआ जो टेबल है उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, ठीक है। और मैं इसको कॉमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है, कॉमेंट कर देता हूँ ताकि हम अब एक नई एग्जाम्पल देख सकें, और उस नई एग्जाम्पल में हम क्या सीखेंगे, उस नई एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि ये कॉल स्पैन जो है और रो स्पैन, ये इसका क्या चक्कर है। तो मैं एक टेबल यहाँ से उठा के जो इन्होंने बनाई हुई है ना, यही वाली टेबल ले आता हूँ। ये काइंड ऑफ एक क्या बकवास है यार, सेलेक्ट नो हो रहा है, ये हो गया हो गया। अच्छा, अभी मैं इसमें से ना ये स्पैनिंग हटा देता हूँ। तो काइंड ऑफ ये कुछ इस तरह का ना, अभी मेरे पास टाइम टेबल बनी हुई है ना, इसको बल्कि इनका जो TD है ना, इसको अभी मैं खाली कर देता हूँ। सही है, ये मेरे पास एक टेबल है जो कि इस वक्त खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। अब आप इमेजिन करें कि
आपके स्कूल का टाइम टेबल है, काइंड ऑफ आप इस तरह से उसको इमेजिन कर लें कि आपके स्कूल का, ठीक है, मंडे और वेनसडे कर देते हैं क्योंकि हमारी क्लास मंडे और वेडनेसडे को होती है, सही है, मंडे और वेनसडे, ठीक है। तो मंडे और वेनसडे 9 बजे आप मिसाल के तौर पे स्कूल आते हैं, फिर 10 AM, फिर 12 AM, तो 12 AM थोड़ी होता है, 12 PM होता है, ठीक है, 12 PM होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, 1 PM और 2 PM और 3 PM, ठीक है, ऊपर से थोड़ा उड़ा देते हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक टाइम टेबल स्केड्यूल पड़ा हुआ है कि भाई 12 PM से लेके 3 PM तक और मंडे और वेनसडे को कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। तो मिसाल के तौर पे मंडे को 12 बजे आपकी जो क्लास होती है वो जियोग्राफी होती है, काइंड ऑफ, तो मैं यहाँ पे आके क्या लिख देता हूँ, बल्कि जियोग्राफी तो बहुत लंबा हो जाएगा, उर्दू कर देता हूँ शॉर्ट सा, सही है। तो ये उर्दू की क्लास हो गई, और वेनसडे को भी आपकी उर्दू की ही क्लास होती है, तो मैंने कहा कि उर्दू की क्लास है, ठीक है, ये दोनों उर्दू होगा आपका। अच्छा, 1 PM पे जो आपकी क्लास होती है, मंडे को कोई और सी क्लास होती है और ये वाले को कोई और सी क्लास होती है। तो मैंने कहा कि यार इसमें होता है साइंस, और बट इस वाले में जो है वो कुछ और होता है, मैथ्स होता है, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह की टेबल हमारे पास बन गई है कि यार साइंस और मैथ। अच्छा, फिर 2 बजे ये हमारी ये वाली क्लास शुरू हो जाती है, तो 2 बजे और 3 बजे ये हमारी क्लास रहती है, कौन सी वाली, वेब डेवलपमेंट। तो अब मैं आके यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेब डेव, सही है, यहाँ पे भी मैं कर दूँगा वेब डेव, ठीक है। मंडे और वेनसडे को हमारी वेब डेवलपमेंट होती है, वेब डेवलपमेंट, और फिर 3 बजे भी सेम क्लास होती है, ठीक है। तो 3 बजे वाले में भी मैं यही लिख दूँगा, 3 बजे वाले में भी मैंने यही लिख दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, अब गौर से एक चीज़ को समझो कि इस टेबल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी उर्दू है और ये भी उर्दू है। तो अगर मैं, अच्छा इसमें ना बॉर्डर बना देता हूँ, बॉर्डर के बगैर ना ये समझ में नहीं आ रहा इस तरह, इसमें बॉर्डर बना देता हूँ मैं, ठीक है। बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना होता है, बॉर्डर 1 pixel, ठीक है, ये मैंने बॉर्डर बना दिया ताकि वो अच्छे से समझ आए। तो ये जो उर्दू लिखा हुआ है और ये उर्दू लिखा हुआ है, दो दो दफ़ा अगर मैं इन दोनों को एक कर दूं, जैसा कि आमतौर पे आपने टाइम टेबल में देखा होगा ऐसे ही हुआ हुआ होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा कि मैं इस उर्दू वाले पे जाके क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा रो स्पैन 2, यानी कि आप जो है क्या करो, दो रो के अंदर जगह घेर लो अपनी। तो इस उर्दू पे आके जैसे ही मैं बोलूँगा ना यहाँ पे रो स्पैन 2, तो देखो इसने क्या कर लिया, दो जगह घेर ली। लेकिन जो सेकंड वाला उर्दू था वो क्या हुआ, उसको आगे धक्का मार दिया, तो अब सेकंड वाले उर्दू की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैं उड़ा देता हूँ, सही है, इसको मैं उड़ा देता हूँ ताकि टेबल सेट हो जाए। देखो टेबल सेट हो गई, इम्प्रूव हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं मिसाल के तौर पर वेब डिवेलपमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वेब डिवेलपमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, मिला दूँ, ठीक है, तो बेहतर रहेगा काफ़ी। तो मैं इस वाले को आके क्या बोलूँगा कि आप जो है क्या ले लो, कॉल स्पैन, यानी कि कॉलम आप ले लो दो, कॉल स्पैन 2, दो कॉलम आप ले लो। तो ये वाला क्या होगा, बढ़ के वो पूरा कोने तक आ जाएगा, और ये जो आगे वाला है इसको कहीं और धक्का वक्का मार के आगे करेगा, वो देखते हैं किधर करता है। तो मैंने यहाँ पर वेब डिवेलपमेंट में बोला कि कॉल स्पैन 2, ठीक है। तो देखें ये कॉल स्पैन इसका बढ़ के 2 हो गया, लेकिन आगे वाले को धक्का मार के इसने आगे कर दिया, तो आगे वाले को अब मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो आगे वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब देखें हुआ क्या, ये वाला तो आगे बढ़ गया, सही हो गया। यहाँ नीचे भी मेरे पास 2 थे, 1 और 2, तो वो नीचे वाला जो सेकंड था ना वो आगे मूव हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, मैंने गलत वाले को रिमूव किया है। हाँ सही है, मैंने वो ऊपर वाले के बजाय मैंने नीचे वाले को रिमूव कर दिया था,
ये हुआ था। अच्छा तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बढ़ा के दो कॉलम्स में कर दिया। अच्छा सेम काम मुझे इस वाले के साथ भी करना है, इस वाले के साथ भी अगर मैं सेम काम कर दूँ तो ये भी आगे बढ़ जाएगा और थोड़ी टेबल मेरी क्लीन फील होगी। तो मैं आके यहाँ पे भी यही करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉल स्पैन टू, ठीक है। और ये नीचे वाले को जाहिर ये धक्का मार के आगे कर देगा, तो मैं नीचे वाले को बाद में आके रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मेरी जो टेबल है वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में आ चुकी है इस वक्त। वेब डेवलपमेंट ये 2 घंटे होती है हमारी, तो ये 2 घंटे पे हो गया। उर्दू 12 PM पे मंडे वेनसडे दोनों में उर्दू होता है, तो मैंने इसको भी एक कर दिया। 1 PM पे साइंस मैथ है। अच्छा तो ये हमने क्या सीख लिया, दोनों सीख लिया हमने, कॉल स्पैन भी सीख लिया और रो स्पैन भी सीख लिया, ठीक है जी। अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता हूँ कि मैं इस वेब डेवलपमेंट को ना, एक तो मैंने इसका कॉल स्पैन बढ़ाया ना, मैं इसी का ही मैं रो स्पैन भी बढ़ा दूं, ताकि ये नीचे भी आ जाए पूरा, नीचे भी आ जाए ये पूरा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा रो स्पैन भी आपका क्या कर लो, 2 कर लो, ठीक है। तो ये देखो ऊपर भी 2 ले लिया इसने, नीचे की तरफ भी 2 ले लिया, और जो बचा हुआ था उसको आगे धक्का मार दिया। तो इस बचे हुए को मैं अब क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से आगे, ठीक है। तो ये देखो अब, तो मैक्सिमम जो हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने करके देख ली। हमने रो स्पैन लगा के देखा, हमने कॉल स्पैन लगा के देखा, और हमने रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों एक साथ भी लगा कर देखा। तो ये हमारे पास टेबल कुछ इस तरह की बनकर आ गई है, ठीक है। अच्छा अगर इस टेबल को मैं अलाइन करूँ अच्छे से, जैसा मैंने ऊपर वाली टेबल को किया था, तो देखते हैं फिर किस तरह का ये बनता है, ठीक है जी। को भी मैं अलाइन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोड के एतबार से ना कोड समझने में आसानी हो। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 3 रो है, एक्चुअली हमारे पास ये 3 रोज हैं, ठीक है। ये हमारी जो पहली हेडिंग हो गई, अच्छा फिर हमारी ये दूसरी हेडिंग यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है जी। अच्छा इसका क्योंकि रो स्पैन 2 है तो नीचे ये वाला आ रहा होगा, मतलब ये किधर हो जाएगा, ये आगे धक्का मार दिया जाएगा इस वाले को, ठीक है। इसका रो स्पैन 2 है ना, तो ये नीचे भी आ रहा होगा, नीचे भी अपनी जगह ले रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा किधर, वो यहाँ पे मूव कर जाएगा इस जगह पे, राइट। यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं, अगर ये चीज़ समझ आ जाए आपको तो बेस्ट है। अच्छा फिर हम आगे आ जाते हैं, और आगे आके हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड ऐसी और भी है जिसका क्या है, कॉल स्पैन 2 है, सही है, और रो स्पैन भी 2 है। तो इसका मतलब है कि ये नीचे भी इस जगह पे भी ये जगह ले रहा होगा और अपने पड़ोस वाले पे भी ये जगह ले रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यही वाला जो TD है वो इधर भी जगह ले रहा होगा, इधर भी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी टेबल जो है वो रेंडर होगी, जब स्क्रीन पे जब ये नज़र आएगी हमें, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें नज़र आ रही है। ये उर्दू है, इसने 2 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं उर्दू जो है वो इधर नीचे वाली जगह तक आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसने भी क्या लिया हुआ है, रो स्पैन इसका भी 2 है, तो ये भी नीचे तक भी आ रही है। ये इसका नाम क्या है, वेब डेव, ठीक है। तो ये वेब डेव इधर है, ये नीचे तक भी आ रही है, राइट। अच्छा इसके अलावा इसी वेब डेव ने जो कॉल स्पैन भी 2 लिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस कॉलम में भी ले रही होगी और इस कॉलम में भी ले रही होगी जगह, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये इस कॉलम में भी जगह लिया हुआ है, इसने इस कॉलम में भी लिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, ये टेबल हमने अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से हमने इसको डिस्कवर कर लिया। ये बात यहाँ पे टेक्स्ट में भी इन्होंने मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा तो बेहतर है, ठीक है। स्पैनिंग रो, वी नो दैट, ठीक है। इसने अलग अलग एग्जाम्पल बनाकर दिखाया हुआ दोनों का। अच्छा उसके बाद ना हमारे पास एक है लॉन्ग टेबल। लॉन्ग टेबल में ये करते क्या है, देखो ये जो हेडिंग है ना, वो क्या करते हैं, ऐसे T हेड करके लगाते हैं और T बॉडी करके ना 3 इसके पोर्शंस बना देते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इस लॉन्ग टेबल का भी एक क्या ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पे बना कर देख लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि इस लॉन्ग टेबल का ना बेनिफिट एक्चुअल में है क्या। इस ऊपर वाले को मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक हमारे पास एक लॉन्ग टेबल जो इन्होंने बताया, अब एडिशनल रो अबव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी एक लॉन्ग टेबल इन्होंने बनाई हुई है। तो ये एडिशनल रोज़ यहाँ पर हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम ये एडिशनल रो की जगह ना इसी को ही हम डुप्लीकेट मारते हैं ज़रा, ताकि ये लॉन्ग टेबल वाली फील तो हमें आए, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग टेबल मैंने इसको ज़बरदस्ती बना दिया, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग टेबल हो गई हमारी थोड़ी। अच्छा, तो अब ये जो लॉन्ग टेबल हमारी हो चुकी है, इसमें इन्होंने आप नोट करें कैसे स्टार्ट किया इसको, इसने टी हेड लगाया, ठीक है, और ये टी हेड यहाँ पे क्लोज है, और इसके अंदर जो हेडिंग वाला जो था ना हमारा जो आइटम, वो इसके अंदर रखा है, यानी एक रो को जो टॉप वाली पहली रो थी हमारी उसको टी हेड कंसिडर कर लिया इसने। अच्छा, उसके बाद टी बॉडी शुरू है, बॉडी के अंदर फिर डायरेक्ट डेटा स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में ये जो टी हेड था इसी तरह टी फुट लगाया है, टेबल फुटर, और इसमें सेम चीज़ जो यहाँ पर रखी है वही सेम चीज़ यहाँ पर रखी है, या काइंड ऑफ इसमें टोटल रखवा दिया, ठीक है। तो टेबल हेडर और टेबल फूटर ऐसे करके इसने यहाँ पे लगाया हुआ। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कुछ इसका ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है कि यार इसमें टेबल हेडर और टेबल फूट लगाने से क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। इस टेबल अभी भी छोटी है थोड़ी हमारी ना, इसको थोड़ा सा और लंबा चौड़ा करते हैं तो फिर हमें ये फील कराएगा कि इसमें क्या है फ़र्क, तो कम से कम हम 2 से 3 पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिया टेबल को ना। अच्छा, अब मैं जब आता हूँ प्रिंट, अब आप नोट करें कि जब मैं प्रिंट दबाता हूँ तो क्या होता है, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना ये 3 पेजेस पे प्रिंट होने लगा है, नहीं सॉरी 2 पेजेस पे प्रिंट होने लगा है। लेकिन जहाँ पे देखें पहला पेज है ना जहाँ से ये प्रिंट होके आ रहा है, वहाँ पे टेबल की हेडिंग लगी हुई है और टेबल का जो फुटर है वो भी लगा हुआ है इस पेज के आखिर में, ठीक है। और अगले पेज पे भी आप देखें हेडिंग दोबारा लगी हुई है और यहाँ पे भी फुटर ये दोबारा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इससे बेनिफिट होता है टी हेड और टी फुट से कि वो जितने अगर आपकी लंबी टेबल और अलग अलग पेजेस पे आ रही है तो टेबल का हेड और टेबल का फुट वो रिपीट होता है हर पेज के ऊपर, ठीक है। कैंसिल कर दिया मैंने उसको, तो ये हमने लॉन्ग टेबल को भी ज़रा सा देख लिया कि यार ये क्या चक्कर है लॉन्ग टेबल का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बनाकर बताया कि कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं किया शायद कि ये रिपीट होगा हर पेज पे ना प्रिंट करते वक्त। अच्छा, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, बॉर्डर कैसे लगेगा और बैकग्राउंड कैसे लगेगा, ये ओल्ड कोड है, ठीक है, जब HTML के ज़रिए ये काम किया जाता था। तो यहाँ पे बॉर्डर इसमें लिखा है 2 या 2 पिक्सल भी कर सकते हैं आप, BG कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये करना नहीं है आपने, ये पुराना तरीका है। अब हम इसको CSS के ज़रिए करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई है इन्होंने और ये इसका कोड लिखा हुआ है और ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली टेबल एटलीस्ट बनानी है, या जो आपकी रेसिपी वाली वेबसाइट थी मे बी उसके अंदर आप टेबल ऐड कर लें, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है, ख़ुद से सोच के कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट बना लीजिएगा जिसमें आपने टेबल का इस्तेमाल किया हो, ठीक है, और प्रॉपर इस्तेमाल हुआ वो टेबल का, ऐसी आपने एक वेबसाइट बना के जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें आपने शो करवाना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो वो पूछ सकता है अभी राइट नाउ, किसी का कोई क्वेश्चन है जो मैंने बात बताई है अभी। चले जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मैसेज, सर हम बात बोल रहे हैं उनका नेट इशू है, ओके बस चलो सही है, अभी तो जो है वही है। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।